25 जनवरी सुबह होने से पहले गोवा के समंदर के किनारे बजे हैदराबाद में। कैसे शुक्रिया अदा करें शाहिद भाई, जो तुमने ये बैग हमारे हवाले किया। अरे हमें कितनी बेचैनी से इसका इंतजार था। रजाक भाई जी, जी आपका भेजा हुआ तोहफा सही सलामत पहुंच गया। जी जी, कामयाबी हमारी होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। इस बैग को पाने का हमारा इंतजार खत्म हुआ। ये खुदा तक पहुंचने का जरिया है। इसकी कीमत तुम नहीं जानते। इसकी कीमत हम सब की जान से। अब्दुल देखो लाइट को क्या हुआ। इम्तियाज, शाहिद जरा देखो। लाल तुम्हें हाथों पर करो, हाथों पर करो, जल्दी करो। बैग में क्या है? बराती। पहले ही पुलिस की पेमेंट कम आती है और ऊपर से टीडीएस काट कर मिलती है, और तेरा ये टीडीएस काम। बोल बोल आदमी है। बोल। ए, इस तोते ने बोला क्या? अब तक नहीं सर। कोई फायदा नहीं, ये नहीं बोलेगा। इसने मार खाने की ट्रेनिंग तुझसे ज्यादा ली है। क्या सर? अबे रुक मत, मार और जोर। तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ। क्या रे, तू टेररिस्ट है, नेक्सलाइट है, माओइस्ट है, LTT है, LET है, हुजी है, सीमी है। बम 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 बम, इनका ग्रुप तो बचपन से ही बम से खेलता होगा। चल जल्दी वरना तेरी माँ बहन एक कर दूंगा साले। चल 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 चल, अपना असली नाम बोल। रमेश उर्फ रमी। रमी? उल्लू समझ के रखा है क्या? तेरे जैसे बहुत देखे हैं, गटर का कीड़ा। असली नाम बोल। शेखर, शेखर राम शिंदे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मोबाइल नंबर 9849698285। चल फोन लगा उसे, आप उन उसको बताएगा। ACP का इंफॉर्मेशन बड़ा टेररिस्ट लगता है। गुड मॉर्निंग सर। कमाल है, आप तक ड्यूटी पर हो। यस सर। क्या सुबह शांति से हल्का भी नहीं होने दिया? सर एक टेररिस्ट पकड़ा गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। नाउ गाय शेखर राम शिंदे। मेरा नहीं उसका। सॉरी रमेश, रमी सर। रमी? हाँ हाँ। वो टेररिस्ट नहीं है। सॉरी सर, पहले बताया होता तो इतना मारता नहीं। चिरकुट खाली दिमाग का भेजा मत चला, उसकी वजह से मेरी बीवी से मेरा डाइवोर्स हुआ। हाउ लकी। Thank you.
पकड़े गए ना माय डियर फ्रेंड, आखिर पकड़े ही गए। डू यू नो, लाइफ में एक ही सपना था, अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर से मिलूंगा, लेकिन तुझसे मिलने के बाद ना लाइफ रही ना वाइफ। मैं क्या कॉमेडियन दिख रहा हूं तेरे को? क्यों हंस क्यों रहा है, कैसा है बे तू? जल्दी करना भाई, ओए हाथ की वाट लग गई। क्या शेखर सर, हाउ यू डू? फाइन फाइन, ये साहब को कुर्सी देना। पेट अंदर कर मामू। रमी देख, वैसे मुझे बहुत से अर्जेंट काम है, पर 7 साल लंबी कहानी तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे पास कहने के लिए और मेरे पास सुनने के लिए बहुत कुछ है, तो कहानी किधर से शुरू करेगा? आप उन कौन सा गांधी है जो उनका कहानी सुनेगा? मेरी पर्स में कभी मेरी इकलौती पत्नी की फोटो हुआ करती थी, पर अब तेरी डायरी है। रमेश उर्फ रमी उर्फ श्याम सुंदर अजय अनिल डेविड डिकोस्टा इम्तियाज मोमिन रॉबिन विजय। पीटर डिसूजा भूल गया तुम? मुंबई भिवंडी कुछ याद आया? 2 लोगों के सिर फोड़ दिए, 1 आदमी को जिंदा जलाया और भाग गए। यस स्मॉलेस्ट था तभी, इतना बड़ा कारनामा? तेरे सारे गुनाहों का पर्दाफाश करूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा, 15 अगस्त को रिहा हुआ तो फिर से अंदर करूंगा। मेरे करियर में अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। नो दैट बोल बोल रहे, तुझे आईला किधर से शुरू करेगा? सब कुछ सच उगलेगा, झूठ नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। क्या हुआ मुन्ना, मूड नहीं है? मेरे आदमियों को लगा कि तू मामूली टेररिस्ट है, इसलिए उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई। और मार खाने का तेरे को? मार से अपुन नहीं डरता सर। जान ले लूंगा तुम्हें, आज नहीं छोड़ूंगा, समझता क्या? जान से मार दूंगा। अबे तू गुंडप्पा विश्वनाथ बनेगा, गावस्कर बनेगा, कपिल देव बनेगा, तेरी तो घर में पैसे नहीं है, इसीलिए मैं 2 दिन में 1 बार पीता हूँ। और तू कुत्ते की औलाद बैठा कर ले, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी मायना, इसलिए मैं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा, जान से मार दूंगा। मदर इंडिया, मैं दारू पीता हूँ तो तेरी दवाइयाँ नहीं खरीद पाता, ऐसे तो तू मर जाएगी, पर ये कमीना नई बैट खरीद कर लाया और मेरी जिंदगी के साथ क्रिकेट खेला है, पर मैं भी फुटबॉल में पेले का बाप हूँ। छोड़ दे ये बैट, बेच के मैं पूरा क्वार्टर लेकर आऊंगा। ये भजिया खा लो, फिर लंका चलते हैं, ठीक है? बिना पूछ के मैं लंका में आग कैसे लगाऊंगा? वैसे तो बाप लोग बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, पर अपुन का बाप अपुन को भागना सिखाया। बोले तो लाइफ एक एक्सीडेंट है, 17 बरस की उम्र में जो एक्सीडेंट होता है ना, उसमें ना तो चोट लगती है ना दर्द होता है, होता है तो बस कुछ कुछ होता है। फिर क्या हुआ? क्या होना था, उठकर चली गई। क्या यार, बहती गंगा में हाथ भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया? अरे नहीं यार, वो तो अपने घर चली गई, पर मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। अब हे मोटू बंदर, लव स्टोरी उसकी चल रही है, तू क्यों इतना उछल रहा है, सीधे चलना। अबे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इसलिए उछल रहा हूँ। अबे देसी माइकल जैक्सन, डांस बंद कर। अबे रमी, दरवाजे पे तेरा बाप खड़ा होगा। क्या यार, थोड़ी देर पहले गुलाब की बात कर रहा था और अभी कांटे की बात कर रहा है, चल छोड़ना। सुनो जरा धक्का दो। जानता है कौन है? ये चंद्रा है, मुंबई में से सब डरते हैं। और जोर से। अरे क्या हुआ है? तू अभी तक जिंदा है, चलो कोई बात नहीं, इसकी माँ का बोला था ना, दुश्मनी महंगी पड़ेगी। साला 1 नंबर का कमीना था। काम पूरा कर, पहले रोकड़ा दो फिर काम। अबे नाम क्या है तेरा? रमेश उर्फ रमी। रमी चल धक्का मार देता हूँ। 60 होते ही भाग गए तो
क्या रे? ये ले। जोर लगा, लौट जोर से। जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा। बोले तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर अब उनके बेवड़े बाप ने अब उनकी दुनिया की वाट लगा डाली। मेरा बाबा कहाँ छुपा के रखा है? सारे बता दे, मार डालूंगा जान से। नहीं बाबा, तीन दिन हो गया दारू नहीं पी मैं। क्या है मेरी प्यारी गुड़िया? खाना खाए भैया? घर में माँ बहन नहीं है क्या? अपुन की माँ है वो, अगर उसको किसी ने परेशान किया तो अपुन से बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल, अगली बार देखी तो भाभी बोल लेगा। हाँ स्वीटी, स्वीटी वो गए तो तुम पीछे पड़ गए। वो छोड़, मैं ये तेरी दुकान से लाया हूँ। मेरे लिए खरीदा? खरीदने के इरादे से ही गया था, पर तेरी बहन ने भाव बढ़ा दिया इसलिए चुरा लिया। स्वीटी, स्वीटी मेरा नाम स्वीटी नहीं है गोचू। फिर क्या है? चंपा कली। तू चंपा कली बोल या अनार कली, अपुन तो तुझे स्वीटी बोलेगा। स्वीटी आज मैच है अपुन का, तू देखने आएगी ना? मैं वहाँ किसके लिए आऊँ? अपुन के लिए, आज नए बैट से खेलूंगा। नहीं बोल जाओ। क्यों भाव खाती है? आज मेरा जन्मदिन भी है, महीने में एक ही बार आता है। इंतजार करती रहो। वो दिन अपुन एक बात अच्छी तरह समझ गया, लड़की हंसी मतलब फंसी। स्वीटी कल भी मेरा मैच है। पर कल तो मैं मंदिर जा रही हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, भगवान से मेरी सिफारिश कर देना। स्वीटी तेरी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, मुझे बता दे, मैं सुनूंगा तेरी बात। तुम इतना ही जोर दे रहे हो तो सुनो, कल मेरा जन्मदिन है और साल में एक ही बार आता है। पार्टी करेंगे अपने गाँव के 5-स्टार होटल कृष्णा विलास में। सिर्फ मेन्यू ही मत बढ़ो, कुछ ऑर्डर भी तो करो। क्यों रे, बहुत जल्दी है तुझे। अच्छा बता आज खाने में स्पेशल क्या? कीमा पाव, ट्राई करोगे? बहुत टेस्टी होता है। 2 प्लेट मटन 4 चपाती 2 कोल्ड ड्रिंक शाही कबाब, अब जा कबाब में हड्डी। इतना सब का बिल होगा पूरा 306 रुपया। फटी हुई है चड्डी फिर भी खाने आ गए हड्डी। रमी स्पेशल, हैप्पी बर्थडे। जानकी कितना सोएगी? माँ क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ है। जरा दिखा दो। आ, 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 आ,
जब इंसान का भेजा सटकता है ना, तो वो पागल कुत्ते के माफिक हरकतें करता है। सटकेले भेजे ने अब उनका सब कुछ छीन लिया, अब उनकी प्यारी बहन भी, और जो बचा था अपुन उसको संभालने में लग गया। आशिकी का बुखार आसानी से थोड़ी उतरता है। स्वीटी, पारा, पारा ना, यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगे? जैसे बड़े बड़े होटल में जाना। सोच में पड़ गए रमी, वो होटल में हुई बदनामी भूल गए? तुम पहले पैसा कमाना सीखो रमी, फिर मेरे पास आना। पोपटलाल सही बोला था, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना। और अपुन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। समझ गया? हाँ सर। सेठ, सामने वाली गाड़ी में दो स्ट्रॉन्ग बियर चाहिए। पन दूसरे दिन ही अब उनको पता चल गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज तो भूख है, और साला भूखे इंसान का दिमाग 3 गुना जास्ती काम करता है। क्या लाऊं? दो बोतल विस्की, जल्दी ला। सेठ का बोल डी कंपनी से आया है। अंग्रेजी में बोलते हैं लिव फॉर द डे। उस दिन के बाद से अपुन ऐसे ही जीने लगा। मंत्र
ये तो कोई बात नहीं होती है ना भाई साहब, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं और आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आपको बता दूं मेरे पति कमिश्नर हैं। ये देखिए सर, नाम क्या है? 2 लाख रुपए। बहुत भारी है बाप, तू ही रख। भाई क्या हुआ, कमिश्नर की दूसरी पत्नी का रिसेप्शन चल रहा है? वो तो अब उनको क्या करना चाहिए, गोलमाल। क्यों बे, बीवी फिर किसी के साथ भाग गई क्या? पड़ोसी के साथ। क्या अंकल, अभी भी टाइपिस्ट के टाइपिस्ट? अबे ये तो नई दुल्हन है क्या साहब? वही डब्बा फोन, आवाज से पहले आदमी पहुंच जाए। अरे क्या मामू, अभी भी हेड कांस्टेबल, प्रमोशन नहीं मिला? कौन है बे तू? अरे लेडी स्पेशल, अच्छी बात है, दिल लगा रहता है। भाभी को मालूम है क्या? ए कौन है तू? अरे हाफ टिकट, तू यहाँ? ये टाइम क्या झोल गया रे? मुर्गी चुराते पकड़ा गया। छी, मुर्गी चुरा इसके लिए अंदर डाला? ये मामू लोग के पास और कोई काम नहीं रह गया क्या इनकी? लेकिन भाई वो मुर्गी हेड कांस्टेबल की थी। फिर तो बेटा तू अंदर बैठ के अंडे दे। सॉरी। अबे अगर तूने मुझे नहीं बताया कि तू कौन है तो तुझे भी उसके साथ चक्की पिसवाऊंगा। साहब की बीवी ने भेजा है। सॉरी सॉरी, साहब अंदर है, आइए ना। सर, मैडम ने किसी आदमी को भेजा है। मैडम ने? आपकी पत्नी मैडम, भूल गए साहब? मेरी पत्नी? मोटी भैंस। सॉरी सर। सुनो ऑफिसर, सर उसे रुकने कहो, मैं खाना खा रहा हूँ, आता हूँ। उससे पूछताछ मत करना वरना प्रमोशन अटका दूंगा। आई बात समझ में? चलो जाओ। ओके सर। कितनी दुबली है रे तू, खाती पीती नहीं क्या? प्यार में सूख गई। फिगर नॉट, अभी तेरे को भर देगा। क्यों ठाकुर, क्या खबर लाए? साहब ने रुकने को कहा है, वो बस आ ही रहे हैं, उनकी बीवी के साथ है। बीवी? चौंक क्यों रहा है, प्रॉब्लम है? कौन से नंबर की? इसकी माँ का। गलती से मिस्टेक हो गया, तुमको बोला नहीं। ड्यूअल सिम कार्ड सर। सर आपकी दूसरी वाइफ ने भेजा है। दूसरी वाइफ? मुर्गी उड़ाई, कांस्टेबल की बीवी उड़ाता। कोशिश की थी भाई लेकिन वो बहुत भारी है। ओए, बाहर निकालो, इनकी खातिर करते हैं। सॉरी सर। तुझे किसने भेजा रे? आपकी मैडम ने भेजा है, वो जेवर की दुकान में पैसा कम पड़ गया तो शॉपिंग करके मेरा ड्यूअल निकाल देती। हेलो जानू, तू वहाँ फिर से क्या? हाँ मैं तो बस गहनों की दुकान खोलनी है क्या? मेरा जितना वजन नहीं उससे ज्यादा गहने पहनती है तू? नहीं लेकिन बस कर। कितना मांगा है? बस 20,000 सर। मेरे ब्रीफकेस में पड़े पैसे तो तूने नहीं निकाले ना? नहीं मैंने नहीं निकाले जानू। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। खैर मैं इंस्पेक्टर शेखर को भेज रहा हूँ, उसे वो ब्रीफकेस दे देना। हाँ बकबक बंद कर। बक 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 बक। हाँ कितना देना? बोलो ना 20,000 सर। ये ले। थैंक यू सर। सर सर अब क्या है? वो बाहर धूप में अपन काला हो जाएगा, अगर कोई अपन को छोड़ देगा तो। हाँ ठीक है। कांस्टेबल इसे जरा छोड़ दे। ठीक है सर। ए मामू, इस दिवाली तेरा प्रमोशन, सीधा कमिश्नर बनेगा। कहाँ चलेंगे सर? और कहाँ, बाहर वाली के घर। ठीक। तेरी जवानी देख के शीला शर्मा जाए। अच्छा अभी शर्मा ना छोड़, साफ सुबह सूट के छोड़ के गए ना। मतलब आप ही इंस्पेक्टर शेखर हैं? बल्ले बल्ले, शक्ल के साथ अकल भी है। आई गो। क्या ब्रीफकेस ले क्या? हाँ जी, मैडम का अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, मैं अभी लाती हूँ। जस्ट इंतजार मत करवाना। ये लो साहब। दौलत ले जा रहा हूँ लेकिन दिल छोड़े जा रहा हूँ। आई गो। तेरा प्रमोशन भी पक्का। माजा चिकना। अगली दिवाली का हीरो। नमस्ते, आई एम इंस्पेक्टर शेखर, ब्लैक सूट केस। क्या आप इंस्पेक्टर शेखर हैं? क्या तो वो कौन है जो अभी निकला? आरतीचा, कौन है वो? रमी, इसकी तो मैं। ये रुक रुक, रमी रमी रुक रुक, एक मिनट। अरे रुक जा, आजा आजा, बैग चाहिए। आजा ये भाग क्या? अरे थाम जाए, अरे थाम ना। ये मैं लिया अंदर। अरे अरे चिर पुन थाम तो बनाई, ये मैं वाली पिक्चर ये सब तुम्हारे तेरे को ये पकड़ा। अरे अरे छोड़ो, शादी शुदा हूँ, ऊपर से मैं और सीधी। अरे हटो, बचाओ पुलिस। रमी 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 रुक,
मैं कहता हूँ तेरे को रुक जा, बाद में आई से मारूंगा तेरे को, ना हाथ में आया तो छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहा है लाल? थका दिया रे मेरे को। गणपति पप्पा मोरिया, थक गया क्या? आना ए, रमी, 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 अरे क्या कर रहा है? रुकना ए, मेरे बाप। अरे अरे पकड़ा पकड़ी खेल रहा है क्या तू? अरे क्या कर रहा है यार, रुक जा। अरे देख भाग मत, देख बहुत सीरियस मैटर है, मैं बोल रहा हूँ रुक जाते। अरे रुक, अरे रमी रुक ना बाबा ये, अरे प्लीज ड्राइव प्लीज, अरे हट ले तू जाए। रुक, ड्राइवर सोने से पहले बीवी बोल रही थी मेरे को इतना खा मत, अब पता चल रहा है दम निकला जा रहा है रमी। वाह क्या माल है, इसे देख के तो अच्छे अच्छों की नियत पिघल जाए। मैं आया आया। रमेश किधर है तू? अरे रुको रुको, रवि को देखा क्या? शेगो ले आश्कर। अरे मेरे को क्या बाल डांस समझ के रखा है क्या? मेरे ऊपर पैसा फेंक रहा है। तुम्हारे हवलदार लोगों ने बहुत धोया सर, हड्डी पसली टूट गई। पेंट गिरा कर तूने मेरे को चूना लगाया, गोबर पर चलाया और उन 50-50 मर्द औरतों के बीच फंसाया। रमे रमे, यू नो कानून के हाथ लॉन्ग होते हैं और मैंने तुम्हें शॉर्ट टाइम में पकड़ लिया। आप तो 30 मार खाए सर। मस्कमर तो चा सांगरे। ओके तो तेरे नसीब और मोहब्बत ने तेरे को ऐसा बनाया। मोहब्बत, लव इज फॉर एवर। ओ इंग्लिश लिटरेचर। जानते हो जो मर्सिडीज तुमने उस दिन चुराई थी वो किसकी थी? DIG साहब की। उसके बाद तुम मुंबई से गायब हो गए। मर्सिडीज का अच्छा माल मिला ना? अब क्या भाई, कहाँ जा रहा है? जय श्री कृष्ण। अरे कृष्णा राव बैठो, तुम आदमी बहुत अच्छे हो, सीधे साधे बताओ मुझसे मिलने की वजह? भाई वो मेरा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट। बोला ना कॉन्ट्रैक्ट तेरे नाम ही होगा, तू मेरे गांव का है तो अपने जात भाई के लिए मैं। अरे छोटा भाई भी साथ आया है। कृष्णा ऐसा क्यों करते हैं आप? मैंने इसे जबान दी है शामराव, बड़े भाई का कहना मान। नहीं मानूंगा। अरे श्याम आ इधर सुन, हम जात भाई हैं और भाई भाई आपस में लड़ें ये सब अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी बात है। जब मुझे तुम दोनों भाइयों को लड़ते देख तकलीफ हो रही है तो जरा सोच तेरे बड़े भाई को कैसा लग रहा होगा। देख बेटा सोच मत। ज्यादा शाण पते नहीं, मैं यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट के लाया हूँ, तेरा सेंटिमेंटल भाषण सुने नहीं। अगर मंजूर है तो हाँ बोला, 60-40 दैट्स फाइनल। कितना सन्नाटा है, तो तू अपने भाई की बात नहीं मानेगा? तू सिर्फ दलाल है अपना काम से। तब से मैं जिस भाई की बात कर रहा था, मैं इस शहर के भाई की बात कर रहा था और वो भाई मैं हूँ। अबे तू जानता है तू कहाँ जाने वाला है? हैं? सीधा ऊपर जा, पानी गंदा कर दिया। जिसका जन्म होता है वो निश्चिंत ही मरता है, आत्मा अमर है वो फिर से जन्म लेती है। ग्रंथों में लिखा है शाम फिर से जन्म लेगा। जीवन में कितनी शांति है जब से ये साइलेंसर बना है। घर बैठे बैठे मैं खून कर सकता हूँ, पहले की बंदूकें कितनी शोर मचाती थी मालूम है? पर भाई उसे मारने की क्या जरूरत थी? अरे साला 60% मांग रहा था, चलता क्या तेरे को?
इसलिए मैंने काम तमाम कर दिया। अब ये इमोशनल अत्याचार छोड़, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड चला जा, वहां जाके लड़कियों के साथ गुलचरे उड़ा, खर्चा मैं दूंगा। चंद्रा दोस्तों का दोस्त है। क्या बात है? क्लब खुल चुका है। ये बाजी भी अब उनकी ही है। तुम लोग ना पत्ते पे पत्ता खेलो। इन तीनों को तीन बत्ती आती है भाई, जीतना ना है। चल पत्ते भाग। भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी तो तुम ही हो। अब ये कौन? हिसाब रोकड़ा ना कि प्रेम। मेरे साथ खेल, इससे नहीं दूसरे पत्तों से खेलेंगे। ओके। चल माल लगा, देख के खेल। चड्डी पहनने की उम्र से खेल रहा हूँ, तू देख के खेल। अच्छा निकल गया तेल। शो। ओके। सही है भाई। भाई अपन का जात भाई आया है, अपने ही आदमी को हराया उसने। मेरे पास ले आ। नहीं आएगा यहाँ, जीतने वाले को जमीन पर पैर नहीं रखने को देते क्या? अरे अपन दोनों जात भाई हैं। साला सुबह से आज सारे जात भाई ही मिल रहे हैं। चल बता तू कैसे जीता? 10,000 देगा तो बताऊंगा। इसकी तो फ्री का तो धंधा ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, देता हूँ बाद में। बाद में तुम मुकर गए तो? नाम क्या तेरा? रमेश उर्फ रमी। रमी रमेश मुंबई। ये सारा दुनिया गोर है, घूम के वहीं चाहता है। अच्छा लगा। कैसा है तू? एकदम झकास। कल अपन मुंबई में था, आज गोवा में, कल का मालूम नहीं। दया भूल गए? मुंबई में मर्डर किया था डिक्की खोलकर। हाँ। तब एक बच्चा था जिसने मेरी मदद की थी। रम्मी मुंबई टू गोवा लॉन्ग जर्नी, यहाँ क्या कर रहे हो? काम। काम? बचपन में तो तुमने ना कहा था। जब टाइम बदलता है जरूरत भी बदल जाती है साहब। ले आओ। भाई ये लो पहला काम। क्या करने का इसका? पोस्टमैन का काम है सही पते पर चिट्ठी पहुंचाना, ना कि उसे खोलकर पढ़ना। मछली का मालिक मैं हूं पर वो कहीं और तैर रही है। एक लोकल गैंग ने उसे पकड़ा है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? और अपन का हिस्सा? 5% तकरीबन 2,00,000 रुपए। मेरे लिए काम करोगे तो माला माल हो जाओगे। पहले तुम में जोश था पर अब तुम्हारा असली इम्तिहान है, है? एड्रेस पीछे लिखा है। तेल गरम करो, फिश करी खाएंगे। भाई अपना आदमी क्यों नहीं भेजा? मर गया तो आबादी थोड़ी कम होगी, वापस आया तो फिश करी खाएंगे। बॉम्बे टू गोवा। गोवा की आइटम लोग देखकर तेरा भेजा फ्राई हो रहा है। जा समुद्र में डुबकी लगा रहे, बराबर हो जाएगा। चल खोल चैन, कुली की चैन। ये वाला। ओए, सिंग इज किंग। बजाएंगे सबकी बीन। बेटा अब जा, पिंटो को लेकर काम पूरा कर। नहीं भाई, उस हाथी मेरे साथी के साथ मेरा दोस्ताना मत बढ़ाओ, वो काम चोर किसी काम का नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे तू? चल निकल। सरकार राज। बादशाह के बगैर हर खेल अधूरा है, पर जोकर हारी बाजी भी जिता सकता है। हेलो
नीचे खुद तो चढ़ गया, क्या मैं यहीं पे खड़ा रहूं? चल हाथ दे रे। कितना खाता है सर? तेरे बाप का खाता हूँ। What is time? Oh, 5 minutes late. बाबा, shit. Matches? नहीं है। नहीं है? छी। Nonsense. क्या चाहिए? मुझे एक काम बोला। मूर्ति स्मगल करना है। चल मेरे साथ। भाई मछली जल की रानी है। मुन्ना भाई तो कैरम खेल रहे। तेरे को क्या इसका सर्किट बनना है? कॉमेडियन है। कॉमेडियन हूँ या हीरो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तू दाम बोल और काम कर। काम बोल ए, निकाल ये गुड़िया, देख रहा है? इस गुड़िया को पेट में डालना, मेरे पेट में नहीं मछली के पेट में डाल के गुजरात भेजना। कौन सी मछली? 1, 2, 3 ब्लैक मछली के पेट में डाल के गुजरात भेजना पड़ेगा। ये गुड़िया 5 करोड़ की है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? आज तक मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। मेरा टांग टूटता। नहीं हो सकता तो हम नहीं रुकता, हम जाता। अबे चांदनी चौक कभी देखा है ना? एक्टिंग करने चला। अबे जूनियर राजेश, तो मुझे एक्टिंग सिखाएगा? मर 9-2-11 लेते हैं, भाग। अरे तू ये गुड़िया नहीं संभाल पाया? अबे राम से के भूत चल रफ चक्कर होते, सब तेरी वजह से। भाग ले। यहाँ से बच निकला ना तो मैं ही तेरे को मार डालूंगा। बाय, हम लोग फंस गए। बाय। सोने लगे थे सर, याद कर पाए क्यों बे सांड की औलाद, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है जो हाथ लगाएगा। ओए 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 ओए, माइक टायसन से ट्रेनिंग लेके आया क्या? ले अपने आदमी को मार दिया, सटक गया बेटा। पंच तो सही है मार। क्यों राजा, बज गया तेरा बाजा? अबे रुक, राजधानी एक्सप्रेस। क्या यार, कॉमनवेल्थ गेम थोड़ी है जो इतने ऊंचे से कूद रहा है। अब जाकर हड्डी जोड़वा। मारा ना, अरे यार अगर तूने मुझे मारा ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ओ गई भैंस पानी। अब एक गाली है, तेरे को बोला था मारेगा तो ये छूट जाएगा। तक दिन तक दिन तक दिन तक। अभी दोनों अंदर मुजरा करो। यहाँ कोई गब्बर सिंह नहीं है क्या? तू है? अबे शक्ल से तो गब्बर कम सांबा ज्यादा दिखता है। बाल की दुकान मच्छी की तरह है। अबे टू भाई टू, तेरा हाथ है क्या थोड़ा? प्यारी है तो बोल, मच्छी किधर पे? अरे चंद्रा, चंद्रा,
मेरा लंगोटिया यार कहा है? फिर से ओवर एक्टिंग। ऑस्कर लेके जाएगा? है तो लंगोटिया, लेकिन अब उनसे बहुत डरता है ये। हाय बेबी। लड़की को देखते ही आओ लॉलिटा, मैं हूँ तेरा बलमा। आई एम अ बैडमैन। क्या माल है? ओह, चंद्रा का चमन हमेशा हरा भरा रहता है। रमी। हाँ भाई। आओ चंडी, मैंने बाजी मार ली। हम ले आए मछली, तोड़ के दुश्मन की हड्डी पसली। लोबो। भाई। क्यों, चड्डी गीली हो गई? गीली या फिर पीली, मैं देख के आता हूँ। पीली हुई तो धोके आना। बाथरूम में साबुन तो है ना? रमी, देखना चाहते हो कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? आओ। जानते हो ये खंजर कितना पुराना है? ये मुगलों के जमाने का खंजर है। रमी, ये हीरे लगा हुआ खंजर है। तुम वाकई बहादुर हो। चार्ली। आया आज तो चोर मचाए। ए, चल। हाँ भाई, चल बंद कर। बंद कर, चाइला बंद कर, चल। ए चमन जिंदी, बंद कर ये बैंड बाजा। ए बंद कर रे, तुम्हारा माँ बाप तुमको कुछ बोलता नहीं क्या? चम माइला। क्यों बे, बड़ा बाउंसर बनता है? तू बाउंसर है तो मैं यॉर्कर हूँ यॉर्कर। कोपचे में लेके दू क्या खर्चा पानी? अबे चल। ए, ए, चल बंद कर। आप बंद करता है कि बनाओ जरा रिमिक्स। अबे तेरे कान बोलना हड़ताल है क्या? ओए फेयर एंड लवली, कल्टी ले, चल फोट। तू बैठ ना, टेंशन नहीं है। ए बियर देख। व्हिच स्टेशन आर यू फ्रॉम? पुलिस स्टेशन। आपके एड्रेस भी बताना पड़ेगा। यू जस्ट शट अप, डबल बैटरी सिंगल पावर। मेरे पास लाइसेंस है। साइलेंस। नॉनसेंस। लाइसेंस? गुटला लाइसेंस, गांजा मारने का लाइसेंस, कोकेन मारने का लाइसेंस? ये कोई भी यहां से नहीं निकलेगा। Stand in a line of you all. ये क्या कर रहे? वैसे शौक नहीं रखता। What? कुछ तो लीजिए साहब। ए, ये देखे चाइनीज हक्का नूडल भाग रहे हैं। सबको पकड़, किसी को मत छोड़ना। पांच चलेगा? क्या? दस? साहब ने उठाया डंडा, अब फटेगा सबका अंडा। अबे ओ छपन टिकली, किस खेत की मूली है तू? पंजिम सर, लोकल। चल भाई ले जा इसे। हट। सॉरी सर, सॉरी सर। क्या मैडम बटर नान, कहाँ से आई है तू? विच कंट्री? हंगरी। ये जानी शक्ल से ही भूखी लगती है। व्हाट फेमस योर कंट्री? बियर। बियर? तो बियर पीने यहाँ क्यों आई है इतनी दूर? वहां हड़ताल होगी थी क्या? चल फूट यहाँ से। ये क्या है बे, दाढ़ी के पेंट करके लाया? My sister is missing for the past month and you keep saying you're trying? Goa police madam, bahut busy. Butterfly, no help, waste. Ridiculous is this. Sir, setting puri ho gayi hai. Okay. Last warning, huh? No disco. ऐसे क्या देख रहे हो दया? कागज के टुकड़े हैं, सिर्फ कागज के टुकड़े। पैसों की भूख इंसान को हैवान बना देती है। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भाई, रमी आया है। अंदर बुला उसे। भाई थोड़ा हेल्प चाहिए था। जल्दी बोल, टाइम नहीं है। विक्टर। विक्टर? एड्रेस क्या है? 10,000 दोगे तो बताऊंगा। क्यों, ठीक है ना दया? बिजनेस रमी, धंधा धंधे के हिसाब से होता है, यूं खैरात बांटने से नहीं रमी। ये बात अपन याद रखेगा। चाले। हाँ भाई।
विक्टर अंजुना बीच के पास। समझ गया, इसको एड्रेस दे दे, बाकी का रख लो, अपन छुट्टे पैसे वापस नहीं लेता। रमी जरा संभल कर, वो बहुत ही खतरनाक है, सारे गुंडे मेरे जैसे रहम दिल नहीं होते। खतरों से ही तो खेलता हूँ आज तक सर जी, मुकाबला बराबरी का ना हो मजा ही नहीं आता। थैंक्स दया, जिंदा बचेगा? कह नहीं सकते भाई, पहुंची हुई हस्ती है। एक और अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया।
भाई वो। Have you seen this girl anywhere? So... Just leave me. What are you trying to do? क्या रे? क्या? Go, son. Okay, okay. नुकसान का पैसा तेरा बाप देगा। विक्टर क्या to every police station and all ministers in Goa. But finally a thief helped me. Sure. Why, Rami? Meri bhi ek behan thi. I like my sister. Jaise you like sister. I'm coming home. Mom, I'm coming home. I think I love you. कहाँ मुंबई कहाँ लंदन साला सीधी कोई ट्रेन में नहीं जाती है यू मी अट्रैक्ट डिफरेंट बटरफ्लाई हैड आई एवर लव्ड यू सो ब्लाइंडली हैड आई नेवर लव्ड यू सो काइंडली नेवर मेट नेवर पार्टेड देन आई वुडंट बी ब्रोकन हार्टेड डिड यू अंडरस्टैंड कुछ समझे थोड़ा थोड़ा समझा काफी है इन शॉर्ट I really like you. Same to same. उस दिन अपन को एहसास हुआ कि कभी कभी दूसरों की मदद करने से कितनी खुशी मिलती है। फिरंग लड़की के साथ चुम्मा चाटी, लव रोमांस, तेरी तो लाइफ बन गई रमी।
पर तेरी वजह से मेरी वाइफ मेरे को छोड़कर चली गई और उसके पीछे जाने के बजाय मैं तेरा पीछा करता रहा। भाईला कहीं तू उस फिरंग की मदद करके उसके साथ खटिया पर ताक दिना दिन तो नहीं करना चाहता था ना? ओई तेरे को लगा इंसानियत का। अच्छा है अच्छा है, हम क्या चू साहब चाय। हाँ चल ला। चाय पी लू क्या? इसमें कुछ मिला है तो नहीं ना? पी लीजिए सर, रमी बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाता। पहले तू पी। क्या सर आप नहीं पियोगे? यार आप तो तू ही पी ले। क्या हुआ, जहर है? टाइम पास कर रहा था सर, गले में थोड़ी खराश आ गई थी। छोड़ो बहुत चीजा है, स्पेशल है बॉस। ये टिन पॉट जाना अब। पैसा कौन देगा? ये ले, वर्जिनल है ना ये। तुझे माहिला जूनियर रमी। ओके बाय बॉस। बाय छोटू। बॉस तेरी बाइक को कैसी है? और बेटा साथ है या छोड़ दिया? भूल गया क्या मसाला चाय गोवा की? अरे रे रे राइट ओके। कार कहाँ गई? पुरानी बेच दी, नई खरीदेंगे झकास वाली। बोलो कौन सी लूं? BWM। अबे तेरी अंग्रेजी तो मुझसे भी खराब है, बोल BMW। आप मेरी रेस देखने नहीं आ रहे? अब तूने कहा है तो BMW लानी पड़ेगी ना। तू रेस जीत, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। कम ऑन यस। सुनिए जी आप भी चलिए ना, उसकी पहली रेस है। वरुण तेज दौड़ना ठीक है ना? वरुण मुझे पता था आप आएंगे। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूँ, तेरे को फर्स्ट आना है। ओके ओके आप आए अच्छा लगा। अरे BWM तू रेस की तैयारी कर, मैं आता हूँ। हाँ BMW नई गाड़ी है लेकिन कलर पुराना है। कोई बात नहीं। चुप कर बे, कलर बड़ा कॉमन है। कम ऑन राहुल, कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। हेलो आपका बेटा भी रेस में है? हाँ। मेरा बेटा भी है। राहुल कम ऑन। ए वरुण, राहुल कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन राहुल, कम ऑन, कम ऑन। BMW ब्लैक कलर की एकदम टका टक्का है। पैसे तैयार रखना, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ए योर सन फर्स्ट माय सन लास्ट। गाड़ी कितने में खरीदी थी? ये वरुण प्राण, आज तेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है। Congratulations! Your son is first, my son is second. No problem, yaar. No problem. Arre Varun! Papa, main first aaya. Haan, to beta kiska hai? Yes. Jo jeeta, wahi Sikandar. Kya bolta hai? Spider-Man dekhne chalega? Uske alawa koi achhi picture nahi hai. Inspector? Nahi. अब मैं ACP हूँ, तुझे ढूंढने को मुझे पूरे 3 साल लगे। अब चले। ए, भागने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट वरना फैमिली के सामने ठोक दूंगा। सर सर क्या है? 1 मिनट, फैमिली को जरा भाई साहब बोल दूं मैं प्लीज। देखो तुम फिक्र मत करो, वरुण को लेके घर पे जाओ, मैं थोड़ी देर में घर पे आता हूँ। मटन चॉप बनाना। ए, शाम को हम दोनों स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं, तू रेडी रहना। गो सर। सर सुनिए ना प्लीज सर, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगी थी, अगर मेरा बेटा रेस में फर्स्ट आया तो मैं किसी गरीब डिवोर्सी को चाय पिलाऊंगा। प्लीज सर, और ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए, आप खुद चलकर यहाँ आ गए। सर प्लीज सर मान जाइए ना, प्लीज सर प्लीज। एक पाव भाजी पार्सल दे इसको। 1 मिनट सर। ए चल जल्दी से हमारे लिए 2 चाय बना, एक मसाला चाय ACP साहब के लिए और एक कटिंग चाय मेरे वास्ते। अभी देख लो खुशबू तो अच्छी है। Hmm?
कुवारी या डिवोर्सी हो? कब हुआ? आज सुबह। अब कहाँ है? हार्बर। अपना माल कोस्टल गार्ड्स के पास है? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं होगा। 5 करोड़। 5 करोड़ का सवाल है चंद्रा। एडवांस रख लो, डिलीवरी कल तक चाहिए। चंद्रा भाई, काम हो जाना चाहिए वरना पैसे भारी पड़ेंगे। हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा। हाँ क्या खुशबू है, ये ले। अरे अरे बैठ जा। चंद्रा भाई। रमी कहाँ है तू? अर्जेंट काम है। अच्छा तो अभी आता हूँ। छोड़ ना, अगर काय कर दिस तो क्या कर रही हो? उठ सके किधर? हाँ रमी, चंद्रा भाई कैसा है? आ बैठ। हाल चाल पूछ रहे हो भाई, कोई तगड़ा ही काम लगता है। चलो तो फिर सीधा पॉइंट पे आ जाओ। छोटी बोट है, उसमें एक बैग है जिसे तुझे हार्बर के बाहर निकालना है। हाँ देख, ये सबके बस की बात नहीं, काम मुश्किल है, पर तेरे लिए नहीं। बहुत सारे गैंग उस बैग के पीछे पड़े हुए हैं पर कोई उसे छू तक नहीं सका। तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है, बस एक छोटा सा बैग है। बैग भले ही छोटा हो लेकिन माल तो बड़ा है ना। 15%। 5 से 15 तक बड़ी जल्दी पहुंच गए, मान गए रमी, धंधा जल्दी सीख गए हो। खतरा और काम देखकर ही अपन पैसा मांगता चंद्रा भाई। तुम इच ने अपन को ये पाठ पढ़ाया था। यू फॉरगॉट, आई रिमेम्बर गुरुजी। हाँ ओके। बोट की कीमत होगी 1 करोड़, 15% मतलब ज्यादा नहीं, 15 लाख। 15 लाख बहुत बड़ी कीमत है, चलेगा, तू अपने ही आदमी है। ओके एक पत्ता खींच भाई। जोकर। मेरा नाम संध्या है, मैं रमी की पत्नी हूं। आई नो, पर यू नो, मैंने ऊपर वाले से 2 विश मांगी है। एक, मेरी बाई को मुझे डाइवोर्स ना दे। दूसरी, तुझे ना उरेची अरेस्ट। पर मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाला मेरे पे मेहरबान होगा। कम रमी और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। उसने कहा था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर शादी के 2 साल बाद ही मुझे असलियत का पता चल गया। मैंने सोचा घर वापस लौट जाऊं, पर माँ बाप से क्या कहती कि मेरे पति की नौकरी चली गई है इसलिए उसे छोड़कर चली आई। वरुण भी 1 साल का हो चुका था। तुम्हारा बेटा? पर अब बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है मैं उसकी परवरिश करूंगी। रमी पूरे कामों का आदी हो चुका है, वो बंदरगाह से कुछ स्मगल करने वाला है। वो कुछ दिनों के लिए जेल जाए तो मुझे परवाह नहीं, मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी जब वो एक अच्छा इंसान बनकर जेल से लौटेगा। वो दिन जरूर आएगा। मेरी मदद करोगी? अरे हीरो, कितना टाइम लगा रहा है, जल्दी कर।
अरे ये विलेन कहाँ से आ गया? रुको रुको, मैंने फिल्म देखी है, सुपर हिट मूवी, फैंटास्टिक मूवी। अरे सुनो, हॉर्न बजा। ए कमाल का, ए हॉर्न बंद कर। सुनो, इधर आओ, साहब बुला रहे हैं। ओ हीरो, इधर आओ। ए क्या रे साला बता। आई एम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मुंबई, प्लीज ओपन द गेट। ये नहीं, आई एम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, प्लीज ओपन द गेट। वो कौन? ओपन द गेट, निकल। हेलो, प्लीज ओपन द गेट। नीचे उतर शाले, आउट। ए आई से नीचे उतर। भाड़े का एसपी, भाड़े की टैक्सी में व्हाट है? टेल मी, एक काम चोर, इधर आ। हां हां, आ रहा हूं सर। लो सर, पीछे खड़ा रहे। कौन सा साबुन लगाता है? बड़ी बदबू आ रही है। अंडरवेयर, हाँ पहना है, पहना है। पीछे घूमिए, महंगी शर्ट, महंगी दुकान। सुनील बाबू, उस तरफ। क्या? उस तरफ घूम जाइए, उस तरफ। अटक है यार इसका। मुंह खोलिए। What is this? दांत बताओ। अरे हाँ, दांत बताओ। अरे क्या कर रहे हो तुम? इसकी आईसी की आईसी। अरे Where is your ID card? Identity card. देख। What's your name? शेखर राम शिंदे। शेखर राम शिंदे, सेम नाम यहाँ पे है। हाँ? मुझे विश्वास नहीं। What? क्या सबूत है कि तुम ओरिजिनल हो? कुछ नहीं। Where is your higher authority? एक मिनट, क्या हुआ? I am the highest. इस पागल से पाला पड़ा है। हेलो, चेंज भोकली, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? संध्या, इधर ही है ना? आर यू श्योर? बोल जॉनी फीवर। बॉस, एसीपी आया है, क्या करूं? वो आ गया, उसी का इंतजार था। वैसे आदमी अच्छा है लेकिन पकाता बहुत है। चल कोई बात नहीं, भेज दे उसे अंदर। अंदर भेज दूं? कहानी में ट्विस्ट कैसे? ओके ओके। ये ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज। अरे जो दिखाया था वो ड्राइविंग लाइसेंस ही था ना? अरे सर, मुझे घर जाने दो वरना बीवी मारेगी। ए शाले, दू क्या खर्चा पानी? आप रमेश राम शिंदे के बेटे हैं? हाँ। रमेश राम शिंदे कितने महान इंसान थे, आपको पैदा किया। जानते हैं, मैं भी अपने पड़ोसी की औलाद हूँ जिनका नाम मैं नहीं जानता। मेरा एक भाई बिछड़ गया था जिसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो किसी न किसी बियर बार में। प्लीज गो। एक गेट खोल। सॉरी सर। टरे टरे टरे। ए जूनियर्स, चला जा। एक्ट हो गया, अब शटर डाउन कर। उस बोट में क्या है, उसे क्या फायदा होने वाला है? हाँ, उस बोट में आखिर है क्या जिसके लिए उसने इतना खतरा मोल लिया? बम। क्या? प्लीज सर, प्लीज सर, वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो बुरे इंसान नहीं है, उन्हें बचा लीजिए सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। हीरो, जी सर। ड्यूटी पे सिगरेट पीता है? नहीं सर, ऐसे। सॉरी सर। उस बोट पर से ग्रेनेड्स, AK-47, डेटोनेटर्स और बुलेट मैगजीन्स वगैरह मिले हैं, पर दूसरी जानकारी हमें तभी उपलब्ध होगी जब दूसरे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ये ले माल ब्रो, फॉरेन सिगरेट रख ले। थैंक यू साहब, खोलो सर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये माया करता, जंतर मंतर करके ये सबको लूटता, ठगी करता। I am Assistant Commissioner of Police Mumbai, Shekhar Ram Shinde. I think there is a bomb in a boat. Such what? Keh raha hun. Mazak kar rahe ho kya? Believe me. Jeete har martab ye na kabhi darta. हमारे पास वक्त बहुत कम है, जरा प्लीज जल्दी कीजिए। रॉजर, रॉजर, बोट में बॉम्ब है। चलो चलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बोट में बॉम्ब है। फास्ट,
आउट आउट फास्ट 500 मीटर डिस्टेंस बोट में बॉम्ब है हो गया सही है भाई। बैग बहुत कीमती है 10 मिनट में बीच पे पहुंच ठीक है भाई। साला मक्खन का माफिक बैग अब उनके हाथ में आ गया सॉलिड लेकिन कैसा किया भाई मिल तो सही फिर बताता हूँ ठीक है चलो के किधर गया फिर से निकल गया उस दिन तूने मेरे को जोकर बना दिया सॉरी सर कल तुम गोवा में थे आज इधर मुंबई में हो वो क्यों काम ही कुछ ऐसा था बेलपुरी वो चला रहा है खड़ा रहा चला रहा है कैसे ब्रेक लगाता सॉरी भाई क्या करूं बचपन की आदत है फुट फायदा भी ब्रेक लगा लगा के हुआ होगा फिर मिलेंगे ओए अबे पत्थर डाले हैं क्या हर्षद भी साला कभी टाइम पे नहीं आता ये बैग इतना भारी क्यों है भाई तुमने मेरा काम कर दिया कोई बात नहीं रजाक भाई हैदराबाद से मीट यू वेरी नाइस वो बैग मेरा है एक बात बताओ रजाक भाई ये बैग इतना भारी क्यों है क्या है इस बैग में सब इसके पीछे पड़े हुए हैं फिलहाल मुझे जाना है बाद में बताऊंगा समझा कर यार बुलेट महंगी हो गई है क्या यार ये खिलौना दिखाकर मजाक कर रहा है व्हाट्स अप डूड सरप्राइज अच्छा लगा इसके पास गोलियों का पुराना स्टॉक है अगर तूने गोली चलाई तो भी मैं इसे ठोक डालूंगा हम एक सौदा करते हैं बैग मेरे हवाले कर पूरे 1 करोड़ दूंगा 15 लाख x 6 x क्या करूं सौदा कर ओके पैसे ले आ जल्दी भाग के आ ओके रजाक भाई ये लो बैग टाटा चल बिड़ू क्या बात है भाई तुमने रजाक का मजाक बना दिया अरे चंद्रा मुझे मिस कॉल दे रहा है ये बैग लेके 2 दिन के लिए एंटी पटेल हो जा ठीक है भाई जब तक मेरा मिस कॉल ना है वापस मत आइयो भाई संभल कर हाँ नोट गिन लियो गाना अच्छा है भाई वो फोन नहीं उठा रहा है काम हो जाएगा भाई वो धोखा नहीं देगा अपना आदमी है डबल क्रॉस नहीं करेगा हो जाएगा टेंशन मत लो भाई नहीं एक घंटा नहीं 24 आवर्स दिया अगली गोली तू खाएगा चंद्रा हो जाएगा भाई टेंशन मत लो मैं हूं ना भाई दया अरे दया ओ भाई बारा अरे बाप रे क्या रे चार्ली नई गन पगार बढ़ गई चंद्रा है क्या हेलो भाई कैसे हो हाँ रमी काम हो गया कब का भाई शाबाश रमी तुम यहाँ आ रहे हो ना नहीं आ रहा हूँ जा रहा हूँ रमी तुम्हें कितना
कितना चाहिए? 20 लाख, 30 लाख। हेलो हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही। रमी 40 लाख। हेलो हेलो, नेटवर्क खराब है। हेलो हेलो, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। देख फाइनल, 50 लाख दूंगा। बहुत बड़ी रकम है रमी। कुछ बोलते क्यों नहीं रमी, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या यार, बोर्ड की कीमत तो सही बताई, पर बैग की कीमत क्यों छुपाई? तुमसे काफी कुछ सीखा अपुन, तुमको ना अपुन से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम जो स्कूल में पढ़ते थे ना, अपुन स्कूल में गया ही नहीं, बचपन से ही धंधे में लग गया। बाप को धंधा मत सिखा। 1 करोड़ रुपया 50 लाख से ज्यादा मोटी रकम है, कैलकुलेशन आती है ना? रमी, तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं ना, क्या उन दोनों को तुम जिंदा नहीं देखना चाहते? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा बैग लेकर आ जाओ, मेरे आदमी तुम पर नजर रखे हुए हैं। वरुण, वरुण, चलो उठो सामान बांधो, हम यहां से जा रहे हैं। देख क्या रही हो, जल्दी करो, चलो। वरुण, ए वरुण, सुनता नहीं है क्या? वरुण, चलो जल्दी करो, जाओ अपना सामान बांध लो। कहाँ जा रहे हैं हम? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, चलो सामान बांधो जल्दी। कम ऑन, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कम ऑन वरुण, लेट्स गो। देख क्या रही हो, चलो निकलो। मैं नहीं जाऊंगी। ए वरुण, चला। नहीं वरुण, तुम नहीं जाओगे। वरुण, बेटा भी बाप पर गया है। अबे साला बाइक खराब हो गई, पहली बार पैसे देके ईमानदारी से कुछ खरीदा था। चलो नीचे उतरो। वरुण नीचे उतरो। खुल जा। अबे रुक जा, गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है, कहाँ लेके जा रहा है? ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अच्छा हुआ तेरे साथ यही होना चाहिए था। अरे कोई अपनी बाई को और मुर्गे की जिंदगी ऐसे दाव पर थोड़ी ना लगाता है। अरे वैसे भी तू क्या जाने बाई को क्या होती है, पिछले जन्म के बेचारी के पाप होंगे जो तेरी बाई को बने। वो अपुन की बीवी नहीं है। क्या? हाँ वो अपुन की बीवी नहीं है, ये सच है सर। ना वो अपुन की बीवी है, ना वरुण अपुन का बेटा। सर, सर क्या है बे? पोंगा बज रहा है सर। फिर से हाई अलर्ट। छी 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 छी, इस्तेमाल किया तूने उस लड़की का, तेरे जैसे हलकट घटिया इंसान नहीं देखा। रमी, रमी, आज तक मैंने किसी का एनकाउंटर नहीं किया, आई एम श्योर पहला तू ही होगा। सॉरी सॉरी सर, हाई अलर्ट, पेट्रोलिंग पर जाना होगा सर। रमी की कहानी बड़ी जबरदस्त है, आप अगर रमी को छोड़कर पेट्रोलिंग पर चले जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। रमी की कहानी तो एक फिल्म के हीरो जैसी है, मैं बाहर चुपके से सुन रहा था सर। एक बात बता भाई, जिस लड़की की बात कर रहे थे वो तेरी बीवी नहीं? तुम काहे को स्टोरी में एंट्री मार रहा है भाई? मैं स्टोरी में घुस नहीं रहा हूँ, तू भटक न जाए इसलिए संभाल रहा हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ सर। हाई अलर्ट है, टाइम पास मत करो, जल्दी है तो आप ही चले जाइए। इधर बम उधर बम, टिफिन बॉक्सेस में, स्कूटर्स में, साइकिल में, ऑटो में। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण।
साइकिल में, टिफिन बॉक्स में, स्कूटर में, ये सब पुराने हैं। ये हाई अलर्ट है, गोवा का स्मगलिंग नहीं है। शांत पटी देखो लक्ष्मण, आउट आउट। ओके बाय, सी यू डूड। अरे आधे घंटे में तेरे को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद तेरे को इधर ही आना है। रमी बेटा, जानता है मैंने अपनी पुलिस सर्विस में आज तक किसी को नहीं मारा, तेरे से खाता खोलूंगा। बहुत हो गई झूठी कहानियां। साहब अब उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा, अब उनका विश्वास कीजिए। क्या वो सच्ची तेरी बाई को नहीं है? आपकी कसम खा के बोलता हूं सर, नहीं है। तो फिर किराए पर लेकर आया था उसे। क्यों? एक खेल खेलने के बाद। धक तेरे की भाई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आ जाएंगे। पर कहां से आएंगे? कहां ना, आ जाएंगे भाई। कोई दबंग आइडिया है क्या दिमाग में? तुझे ढेर सारा माल चाहिए ना, मिल जाएगा। तुम ही हो दाता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। पर भाई फिलहाल तो रूम का भाड़ा भरने का भी पैसा नहीं है। प्लान क्या है? हमें एक लड़की चाहिए। क्या भाई, शक्ल से बैड मैन लगता हूँ, लेकिन अपन ऐसा नहीं है भाई, अपन बाल ब्रह्मचारी है भाई। अगर लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेगी अच्छा है। लाइफ लॉन्ग भाई, ये गोवा है, वैसे हॉट हॉट आइटम गर्ल चलेंगी क्या? फैमिली टाइप की चाहिए। हे रॉबिन हुड, आलस करना बंद कर, जाकर लड़की ढूंढ। अमीर लोगों का मैरिज है, अब उनको जाके बैंड बजाना है। बैंड बजाओ भारत। अबे पेपर उठा के पढ़। ओ सॉरी, अपुन तो भूलिच गया, दिस पेपर इंग्लिश। यू नो ब्लडी इंग्लिश आई हेट। ये पेपर वाला हिंदी पेपर क्यों नहीं डालता? गोवा के अमीर लौंडे की अमीर लड़की के साथ शादी हो रही है और हम वहाँ आशीर्वाद देने जाएंगे। ससुरा अपनी होने वाली बहू को 90 लाख का हार पहना रहा है। चल जल्दी कर। बॉय क्या प्लान है? ले भारी चाय संग खारी। एक अच्छी लड़की ढूंढ कर ला, वरना ना चाय मिलेगी ना खारी। भाई एक आइडिया जो बदल दे अपनी वो लड़की, उसे अपनी वाइफ और मेरी भाभी बना लो। चल सटक गया क्या? ये वाला सिंग इज किंग, अपना प्लान हिट है। सही में दही है। लड़की कहाँ लेट हो रहा है? पता कर दो भाई, वो आ गए भाई। ओ तेरी, ये पटाखा कहाँ से ढूंढ लाया बे? क्या मुस्कुराती है, भिखारी को परी कहाँ से मिल गई? वाह बेटा, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। आ जा, हिंदी आती है ना? ठीक है, तू अब उनका वाइफ है। हाँ कम आज शाबाश। देखो अब उन तेरा हस्बैंड है राइट, अब अगर इतना दूर दूर चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे झगड़ा करके आए। तो अपन तुम्हारा कमर में हाथ डाल के चलता है, दोनों स्माइल करते हुए निकलेंगे। अगर पकड़े गए तो अपन को 28 का, तेरे को 16 साल का लगेगा। समझ गई? संभाल लूंगी। स्मार्ट क्या? ए, तुम्हें डांस करना आता? गाना नहीं आता? हाय, ठीक है, आज तो की हीरोइन की तरह हो। आइटम नंबर क्या पानी में, मुस्कुराते रहो। बहुत अच्छे। Ladies and gentlemen, sorry, I'm sorry disturbing you. My wife is missing. नाराज हो गई मुझसे, बात नहीं कर रही, रूठ गई है। I'm very sorry. I really love you. Please come back. Sorry, मैं तुम्हारा दिल तोड़ के पछता रहा। उसे नाचना नहीं आता, उसे गाना नहीं आता, पर शालू मैं तुम्हारी मुस्कुराहट पर फिदा हूं और तुम्हें मिस कर रहा हूं। तेरी चाल थोड़ी टेढ़ी है, फिर भी तू मेरी है। तुम इसे जानती हो? नहीं,
बट इज वेरी क्यूट. यस. तुम रोज खाना जलाती हो. तौबा, फिर भी मैं खा लेता हूँ. सो स्वीट. शालू, कहाँ हो तुम जान? वेयर आर यू? ओह, आई फाउंड हर. हियर शी इज. तुम्हें कितना मिस किया जान. Oh, I love you. Love you, love you, love you. सरदार सोडू का है. हाँ रे. जमाई राजा, अशात कशाला किया? Who the hell are you? What are you talking about? मी तुला मराठी मध्ये विचारतो, तू मला इंग्लिश मध्ये भाडतो. टाकू काय कुलाडी तुझा सारी चार पार. क्या बात कर रहा है? What nonsense are you talking? Who the hell are you? रे थाम रे बड़ाऊ साला. ऑटो क्या? मीडिया वाले हैं, रहने दीजिए. तू जायला गावात मध्ये पोरगी बरोबर नैन मटका खेला आणि इकडे तू मेम बरोबर लग्न करतो. तुझ्या मायला ना ना. अरे थांब रे. मला पण उशीर होतो, पण फक्त माझी मुलगीसाठी याला एक चान्स देतो. जमाई, माझी मोदक सारखी गोड मुलगी. What's going on? आप है कौन? तू आई या नालायकाची आई? तुला काय वेळ लागली होती? बोल ना. अशा हलक्यातला जन्म दिला. साला लड़की की मापे चला रहा है. कोण आहेस तू? काय पाहिजे तुला? तू जायला. तू इकडे आला ईश्वराची कृपा आहे, कारण इकडे माझी भाषा कोणी समजू शकत नाही. मी कप नाही बसणार, मी कोणालाही सोडणार नाही. थांब थांब थांब, मी यांना समजवतो. आपके बेटे ने उस लड़की को प्यार के नाम पे धोखा दिया. डैड, ये लोग कौन है मुझे कुछ पता नहीं है. देखिए, अपनी आंखों से देखिए ये सनसनी केस खुलासा. गरीबों पर अत्याचार आज से नहीं सदियों से चल रहा है. ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. काय पाहिजे तुला? काय पाहिजे काय? माझा मुली बरोबर लग्न करून द्या. ते आई बनणार आहे, त्याचा पाय भारी आहे आणि माझा तोड हात. माझी तोडी हात जोडून 2.5 किलो आहे. जर कोणावर पडले की उठणार नाही, उठला तर राहणार नाही. प्रेमाने समजावू शकत नाही का? खोटा प्रेम तर पहिलाच पहिला, आता तर फक्त लफडा होणार. इतकी मोठी कुलाडी कशाला? ही कुलाडी माझ्यापेक्षा मोठी आहे ना. यमराज सपना माझं येऊन सोडून गेला. तू काय थांबलीस? स्वतःचा लग्न करायचं की नाही? सोरा लढ, जसं मी शिकवले आहे. इंसाफ होईल ना दादा, इंसाफ होईल ना. मेरी प्यारी बहिणिया, जा आपला काम कर जा. ये इकडे ये, यांच्या पाया खाली पडून लड. हे क्या कर रही हो? सच बताइए ना, क्या हो रहा है ये सब? डोंट वरी, मैं बात करता हूं. ए टू बाय टू. हाँ मुलगी सा नवरा है, काय सबूत आहे? सबूत आहे माझ्याकडे, सबूत दाखव आहे ना. इकडे या. हे बघा माझ्याकडे काय, जंगल मधी मंगल ताजन आणि जेन. हे जिंगला कम जिंगला कम जिंग. ए पोरगी जोर जोरात लड, सुलाजत इमोशनल कर. अरे अरे काय झालं तुला? सीला खूप लांब खेचला आहे, जुनी आर्टिस्ट ओवरटेक मारणार. अरे रे रे, आय कांट हेल्प सर, दिस इज टू मच. अरे सर क्या चल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटी को करिए ना. ए अल्बर्ट क्या कर रहे हो तुम? जम रहा है डॉली. सच में मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. सच में? हां मैं सच. ये शादी नहीं होगी. हमसे मार दूंगा सर. चलो 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 च
निकल पड़ा हर्षा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसा। वैसे तो तुम साइलेंट फिल्म की हीरोइन की तरह थी, पर क्लाइमेक्स में अच्छा किया। अरे हर्षद, 20,000 देना। 20,000? पहले मालूम होता तो अपनी शीला बन के बदनाम हो जाता। ये ले, कैश के साथ ऐश कर। कैश नहीं चाहिए मुझे। अब उनका बैंक अकाउंट खोल के बैठा जो चेक देगा। इतने पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा। मतलब मुझे और मेरे बेटे को सर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत है। हमारे पास घर नहीं है। लेकिन तेरे पास बेटा है। भाई मैं अपने घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी, प्लीज। सॉरी। ठीक है, तुम अब उनकी वाइफ का रोल करती रहो। अब उन तुमको 5% देगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छी बात है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आज से अब उन एक फैमिली की तरह रहेगा। ए अर्शद, अब उनकी वाइफ को कल घर लेके आना। हाँ ओके भाई। अरे घर का नक्शा ही बदल डाला। ए अपुन का ही घर है ना? आप ही का है। आप ही ने तो कहा था हिचकिचाना मत। ए क्या नाम है हीरो? वरुण। बैट्समैन है? नहीं, ऑलराउंडर हूँ। क्या मतलब? ऑलराउंडर हूँ, मैं फर्स्ट स्लिप पे फील्डिंग करता हूँ। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, ball डाल। आउट स्विंगर डाल सकते हो? चलो चलो डालो, देखते हैं। बेटे बचपन में अपुन के माँ बापू का सपोर्ट मिला होता ना तो आज अपुन वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन होता। चल। क्या बात है भाई, धोनी रजनी गजनी उन सबसे सॉलिड तुम खेलता है भाई। तुम तो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी। ओ फील्डिंग करोगे भाई? ठीक है, अपुन तो कॉलेज टीम का गोलकीपर था। हाथी मेरे साथी, बोलो ना भाई, इस नेकलेस की कीमत क्या होगी? 25 + 25, 50 lakh। और अपन का टोटल खर्चा कितना हुआ? 25,000 भाई। उस कुलाड़ी का 5,000 एक्स्ट्रा गया ना भाई। पर अपन का काम तो बन गया। अब इसे खरीदेगा कौन? चंद्रा। छे वो लुखा अपुन को 5 lakh से ज्यादा नहीं देगा। कोई दूसरा नाम बोल। दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड
वहाँ गए तो वहाँ के गब्बर ठाकुर की तरह हमारे हाथ काटा लेंगे। काय को उड़ता हुआ तीर लेके अपने पिछोड़े में डाल लो। रीटा टीवी सीरियल की बहू लग रही है, एकता खुश होएंगी। ए रीटा को फोन लगा। रीटा क्यों, ये है ना, ये वो क्या ना भाई, वो रीटा प्रेग्नेंट है। नहीं भाई, इसमें मेरा हाथ पैर कुछ भी नहीं भाई। मेरे को तो तुम पे ही डाउट लगता है। कोशिश तो करने दो, ये इतना आसान काम नहीं है सेनोरिटा, तुम नहीं कर सकती। तुम कर सकते हो तो मैं क्यों? ओए तुम्हीं ने तो कहा था फॉर्मेलिटीज मत करना। मैं फॉर्मल लड़की बन जाऊंगी। और पकड़ी गई तो? पकड़ी गई तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। देख तो ऐसे रही है जैसे ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है। ओए जा दूसरी लड़की का बंदोबस्त कर। पहली बार मैं थोड़ी कोई बाउंड्री मारता है। तुम दिल से सिखाओगे तो तुमसे आगे निकल सकती हूँ। तुमने तो कहा था फॉर्मेलिटीज नहीं। ला दो। इस तरह भाई वीरू ने जैसा बसंती को सिखाता है। ना मैं वीरू नहीं बसंती। भाई हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, अपन गारंटी से बोलता है। मुझे मौका तो दो। ये बोली मेरी बैंडेड क्वीन, झांसी की रानी हंटर वाली। वो इले लेकिन तुम मत हिलना, नजर टिका रखो, एकदम मछली की आंख की वाली। मछली की आंख जग गई बबुआ, क्या हुआ, कानपुर में हड़ताल हो गई? बंदूक बंदूक असली थी। भाई कान के साथ बाकी सारे पर्दे फट गए, मैं टॉयलेट जा गया भाई। देखो ऐसे अभी लॉक हो गई, चलो खोलो इसे। ए, मुझे कुवारा मारेगी क्या? मैंने जो कहा है वो याद है ना? तुम्हारे पास माइक है, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, फिक्र मत करना, नो प्रॉब्लम। ठीक है इसे रखो। वैसे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी आंखों में देखना, निशाना लगा कर रखना, उसकी वैसे ही फट जाएगी। लॉक खोलना मत भूलना। ओके ओके, जरा संभल कर। एक बार फिर कह रहा हूं, सेफ्टी लॉक के बारे में मत भूलना, सीधी जाकर राइट मोड़ना, पुरानी बिल्डिंग है, जाओ। ओके केयरफुल रहना। ओके खतरा कितना खतरनाक है इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक खतरे का सामना नहीं होता। इस लड़की में कुछ गड़बड़ है भाई। बाय, ये नेकलेस बेचने आई है। हेलो हाउ आर यू? इंडियन? नो। रशियन? नो। एनआरआई होगी भाई? या। चलो मैडम। पटाखा है। बेफिक्र रहो भाई, किधर भी नहीं जाएगा। और क्या बात है बड़े भाई? हाँ एनआरआई। एक मिनट। हेलो हाउ आर यू? फाइन। दिस इज नाइस नेकलेस, यू बाय? शाम को बात करता हूँ। हाउ मच? माई फेवरेट बट अर्जेंट, 50 lakhs। 50 lakh? या फाइनल। व्हाट यू गिव? 15,000, 15,000. Oh no, not good, no, not good, not good. 10-13. 5,000 का. Not understand, huh? 10 for you, 5 for necklace. अपुन को अलीबाग से आया समझा मैडम? हाँ, गन? चला दूँगी. Very bad, so sad. I shoot you, गोली मार दूँगी. Safety lock open कर. No lock open, no bullet. औरतों का भेजा घुटने में क्यों रहता है? छी, आइसक्रीम वेस्ट। आज तो रात रंगीन है। What madam? हार कहाँ से लाई थी? किधर हाथ मारी रे? बोल। Hey! कौन है रे तू? Oh!
चल मेरी माँ, चल चल। पर्स कहाँ है? हाँ, पर्स कहाँ है? पर्स। हाँ, go you. Hey, पर्स छोड़ दे, नहीं तो काट दूँ कैसे? निकल। Hey, रुक जा, आगे मत बढ़। रुक। पर्स कहाँ गया? बहुत दर्द हो रहा है। I'm okay. अब बस हुआ, बहुत हो गई भाग दौड़। क्या खुशी मिलती है तुम्हें? चैन से खाते नहीं हो, सोते नहीं हो, क्यों रोज मौत का खेल खेलते हो? तुम तो खुद को भी भूल चुके हो। छोड़ दो ये सब। ए, शट अप। तुम्हें पत्नी की एक्टिंग करने को कहा है, पत्नी बनने को नहीं कहा है, और कोशिश भी मत करना। आउट गो। यानी चर्च में उसे मेरे पास जानबूझकर तूने ही भेजा था। मतलब वो भी तूने और तेरी बाइकों ने रचा हुआ नाटक ही था। पहले तो तूने कहा कि वो तेरी बाइकों है, फिर कहता है नहीं है, फिर कहता है भाड़े पर लाया था पर उसने कभी पैसा नहीं लिया, फिर उसने तेरा साथ देने से मना कर दिया और छोड़कर चली गई। अगर वो बाइकों की एक्टिंग कर रही थी तो जज्बाती काय को हो गई, तेरे को छोड़कर काय को गई। ये क्या लफड़ा है समझ में नहीं आ रहा है। तेरे खिलाफ FIR लिखनी ही होगी। मैं क्या उल्लू दिखता हूं तेरे को? आई डोंट बिलीव यू। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने अब तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला और बोलूंगा भी नहीं। अगर झूठा साबित हुआ तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा, प्लीज सर। बहुत हो गया, पूरे पत्थर डलो। तुम्हारे दिल में प्यार रहने की चीज है ही नहीं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम जी लेंगे। ठीक है, बाहर में जाओ। उतरो। हमारा सफर यहीं तक था। टिकट लो, ट्रेन पकड़ो और कभी वापस मत आना। जाओ। खून निकल रहा है। निकलने दो, ज्यादा फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, चलो जाओ।
गाड़ी छूट जाएगी, टिकट रास्ते में लेना। चलो चलो अंदर चलो। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, पर मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे प्यार करे। वो क्या है, अपुन का जिंदगी ये ट्रेन के माफिक एक ही पटरी पर चलता है। अगर तेरा अपुन की वजह से दिल दुखा हो तो आई एम सॉरी। स्पाइडरमैन, तेरे साथ बहुत मस्ती किया, तेरे को लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। स्माइल, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ मम्मी, चलो ना। अपुन नहीं आ सकता रे। फिर मिलेंगे अपुन, बाय। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो साली अधूरी रह जाती हैं। पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। तुम्हें पागलों की तरह यहाँ मैं ढूंढती रही क्योंकि मैं पागल हूँ। तुमसे हर पल प्यार की उम्मीद करती रही क्योंकि मैं पागल हूँ। अपने बेटे को लेकर बचपन के प्यार के साथ उसकी पत्नी बनने की एक्टिंग की क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं अपने आप को ऐसी उम्मीद पर धोखा देती रही कि एक दिन तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं। रमी, मैं और नहीं सह सकती, हमें अपने हाथ में छोड़ दो, चले जाओ। कौन हो तुम? अभी भी नहीं पहचाना? जानकी। हाँ, जानकी कहीं तुम गई? चलने लगी थी। इसका बुखार चढ़ा है तुझे? हाँ? सुन ले, अगर मैंने रमी को तेरे आसपास देखा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलते हैं। पर कहाँ जाएंगे? तुम पहले पैसा कमाना सीखो रमी, फिर मेरे पास आना। मैंने तुम्हारा दिल जानबूझकर नहीं तोड़ा, मैं हालात के आगे मजबूर थी, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी और इसलिए तुमसे दूर हो गई। अगले ही दिन हम मुंबई छोड़कर विजयनगर चले गए। पापा चंद्रा के साथ काम करने लगे, पर वो क्या करते थे किसी को पता नहीं था। एक दिन वो लौट कर आए ही नहीं, पर किसी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाए। चंद्रा के खौफ ने हमारे आंसू सुखा दिए। चंद्रा की नजरों में मैंने हमेशा हवस देखी। चंद्रा बहुत ताकतवर था, वो हमेशा मेरे और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करता और हम कुछ नहीं कह पाते। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। विजयनगर के रईस ने जानकी को कहीं देखा होगा, अब जिद कर रहे हैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ जानकी से ही करूंगा। बड़ा घराना है, राज करेगी वहां पर। जबान दे चुका हूं, शादी कर लो। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, मेरे आंसू आंखों से छलकने की इजाजत मांग रहे थे। मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की। जानकी, तुम जहां भी जाओगी चंद्रा हर जगह तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहनों की तरह हो जाएगी। मत जाओ बेटी। मजबूरन माँ की बात माननी पड़ी, मैंने हाँ कह दी। शादी करके मैं अपने ससुराल गई।
कपड़े उतार। बड़ी फुर्सत में ऊपर वाले ने तुम्हारे जिस्म को तराशा है। वो खोलना, कपड़े फाड़ना। इतना टाइम है किसके पास? मुझे तो शॉर्टकट पसंद है। तुम जैसी शराब को तो नीट पीना चाहिए। कपड़े उतारो, मैं उतारू। हाथ हटा, हटाओ ना। देसी गर्ल, वाह, मेरे पास आ। थोड़ा और मटक कर। इस रिश्ते को तुम शादी कहती हो? ये होती है शादी? ज्यादा मत सोचो, हमने भी शादी की और निभाई। इतनी सी बात से कोई मायके वापस नहीं आता। मुझे कहा गया था कि मैं राज करूंगी, पर सच कहूं मेरी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर थी। मैंने जान देने की भी कोशिश की, पर वरुण के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ा। मेरी बहन का बेटा और मेरा सब कुछ। मैं एक ऐसी अभागन औरत हूं जिसने अपने पति की मौत पर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि मैं मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। भावे, दरवाजा खोलो। मेरे देवर की मुझ पर बुरी नजर थी। मैंने उस वक्त ऊपर वाले से यही दुआ की कि वो दरवाजा ना खुले। भावे, अरे क्यों तंग कर दे भावे? एक दिन मैंने दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। चलो। इसे लेकर कहाँ जाऊँ? रम्मी। माँ, हम शेर छोड़ के जा रहे हैं ना? हाँ। लेकिन कहाँ? मुंबई। बहादुरी कहो या लालच, मुझे तुमसे मिलना था। मेरा ऐसा विश्वास था कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। मुंबई पहुंचकर मैं हर्षद के घर गई। हर्षद की बीवी ने उसे फोन किया। खबर मिलते ही हर्षद गोवा से मुंबई आया। मेरा रमी से मिलना बहुत जरूरी है। उसे इस पूरी दुनिया में किसी से गिला शिकवा नहीं है, अपने बाप से भी नहीं, हां पर तुमसे है। वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करता था। उसने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह। उसकी तलाश तब खत्म हुई जब उसे पता चला कि तुमने शादी कर ली है। फिर उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्हारी यादों ने उसे जलाया, तड़पाया। भूल जाओ उसे, जाने दो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। जिंदगी को समझने में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है और खुशियां हमारा दामन छोड़ देती हैं। भैया, मैंने जिंदगी में बहुत समझौते किए, पर अब नहीं। स्वार्थी हूं मैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूं। अपनी खुशियों के बारे में सोचना क्या पाप है? क्या ये गुनाह है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझे उससे मिलवाएंगे? हर्षद मुझे गोवा लेकर आ गया। चलो जानकी, किस्मत ने हमें मौका दिया है, रमी को लड़की की जरूरत है। चलो तैयार हो जाओ। अरे सोच क्या रही हो? मैंने तुम्हें काफी सालों बाद देखा, तुम बिल्कुल नहीं बदले थे। बरसों बाद मेरे होठों पर मुस्कुराहट थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश थी।
ना तो वो प्यार था और ना ही चाहत, बस तुम्हारी बाहों में आने का अजीब सा सुकून था। तुम अब उनकी वाइफ का रोल करती रहो, अब उन तुमको 5% देगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छी बात है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आज से अब उन्हें एक फैमिली की तरह रहेगा। लुका छुपी का खेल खेल किस्मत हमसे, रिश्ता कोई ना अब रहेगा अपना तो हमसे, खुशियों के बादल आज झूम झूम बरसने को है, किस्मत का सूरज आज फिर से चमकने को है, आशाओं के पंछी ही उड़ के आकाश को छूने को है, जिंदगी फूलों से आज फिर से महकने को है, खेला रे खेला 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 जीवन है खेला रे, मुट्ठी में चांद पकड़ा मैंने, खुशियों के बादल आज झूम झूम बरसने को है। हेलो मिस्टर एंड मिसेस रामी। नहीं जानती नहीं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे रमी? नमस्ते मैडम, मेरा नाम चंद्रा है, रमी ने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। जानकी, चार्ली, अपनी जानकी। अरे कृष्णा, सब तुम्हारी लीला है। पुराने आशिक फिर मिल गए, विजयनगर से मुंबई और फिर गोवा। पता है मैंने इसकी शादी किससे करवाई? पता है कि नहीं? बेवड़े राजू से। अक्सर गोवा घूमने आया करता था वो, जिस्म का भूखा। बहुत पैसा कमाया उसने। जानकी, तुम्हारा पति मर गया, मैं जानता था इतना पिएगा तो टपकेगा ही, वो गया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? रमी को पकड़ना मेरे लिए मुश्किल है, फिर तुमने कैसे ढूंढा? ओह, तुम्हारे प्यार ने उसे ढूंढा या प्यार की भूख ने? हे चंद्रा, बच्चे को छोड़ दे। पर मेरा क्या होगा? आरडीएक्स का क्या होगा? तुम जानते हो आरडीएक्स किसे कहते हैं रमी? मैं नहीं जानता, पर तुम कितने बड़े अनाड़ी हो ना, जो बैग तुमने बेचा उसमें 25 kg आरडीएक्स था। तुम मार्केट में उसकी कीमत जानते हो? मैं भी नहीं जानता। पर देश का हर आतंकवादी संगठन उसे हासिल करना चाहता है, आतंकवादियों का बहुत नुकसान हो रहा है। प्लीज बैग ला कर दो ना, सोचने का वक्त नहीं है, अब सोचो मत, सीधे काम पर लग जाओ। बैग नहीं मिला तो वो मुझे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर मैं मरूंगा नहीं, सबको मारूंगा, तुझे भी। कुत्ती चीज जो ठहरा। टाइम कम है रमी, फ्लाइट 3 घंटों में निकलने वाली है हैदराबाद। वो बैग अभी हैदराबाद में है, मेरा बैग वापस दो और बच्चा लेकर जा। ऊपर वाले की कसम, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। अपन नहीं जाएगा। तुम जाओगे। प्यार को जिंदा रखना है या फिर प्लेटफॉर्म पर मरना पसंद करोगे? फैसला कर लो। चलता हूँ रमी। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। हैदराबाद में मिलेंगे। रुको, मेरी बात सुनो। पापा को गुड लक बोलो वरुण। जानकी, जानकी, मेरी बात सुनो। जानकी, जानकी, मम्मी बचाओ। अपन की बात सुनो, होश में आओ। सुनो, वरुण को कुछ नहीं होगा। अपन है ना, अगर अपन वक्त पे तेरे पास वापस नहीं लौटा तो पुलिस को फोन कर देना। रम्मी को गुड लक नहीं कहोगे वरुण? कहो। चंद्रा, तू पता खींच, बादशाह मतलब बाजी अपनी। गुलाम, वही बनाऊंगा तुझे। वरुण, तू फिक्र मत करना, आपको जल्दी आएगा, फिर क्रिकेट खेलेंगे। Thank you.
करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जल्दी करो। बैग में क्या है? रमी, इधर की मुंबई पुलिस ने मुझे 9mm ब्राउनिंग पिस्तौल दी है। उसकी रेंज जानता है? 100 meters। तू काफी बार मेरी रेंज के अंदर था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। तू जानता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है तू मुजरिम से ही बड़ा अच्छा आदमी है। और जानता है तू, आज जो बैग तूने बेचा है उसकी कीमत क्या है? 1 करोड़। रास्ते पर चलते हुए हम हजारों लोगों को देखते हैं, कोई सोच में तो कोई गम में डूबा हुआ, कोई खुशी में तो कोई इमोशंस में। सबकी अपनी जिंदगियां हैं, लाखों जिंदगियां, और 1 करोड़ में उन लाखों लोगों की जिंदगियां बेच दी तूने। शिट, गलत किया रमी, तूने बहुत गलत किया। अब बता, चंद्रा किधर छुप के बैठा है? चल बोल। नहीं बताऊंगा। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, ये मुजरिम आपके घर के आसपास ही होगा। कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ो ना, सासू माँ आ जाएगी। अरे डरो मत, कोई नहीं आएगा। क्या भाई, ये बकवास चैनल क्यों देख रहा है? उसकी मर्जी, रिमोट उसके हाथ में है। ये है कौन? 26 जनवरी रिपब्लिक डे का देशवासियों को इंतजार रहता है, और टेररिस्टों को भी। ये शैलेंद्र यादव है, बाहुबली माउस नेता, उत्तराखंड का। पता है अब तक वो 4 SPO को मार चुका है, उसे भी वो RDX चाहिए। तो भाई अब आगे क्या होगा? वो भी उसी की मर्जी। आज हम आपको एक बंगाली डिश सिखाएंगे जिसका। चंद्रा, लगता है हैदराबाद में हमारा काम हो गया है, और तुम्हारा भी। अरे नहीं भाई, रमी आ जाएगा। कहां से? पुलिस स्टेशन से। रमी, रमी कहां हो तुम? पूछ उससे पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था। क्या कहा तुमने उनसे? अब उनका लाइफ हिस्ट्री, उसके बाद ACP को खलास कर दिया। टीवी ऑन करके देख लो। ACP शेखर पर गोली चलाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके शव को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पूरा शहर जब हाई अलर्ट पर था, तब ACP के मरने की खबर काफी शॉकिंग है। बाकी की खबरों, अब वापस काम पर लग जाएं। अरविंद नगर कॉलोनी बदलापुर, हैदराबाद के सिमी आतंकवादी संगठन का नेता रसूल यहीं पर है, F ब्लॉक में। उसके गैंग के जिस आदमी को तुमने बैग दिया था वो भी यही है। रमी, वो बैग हम सब के लिए बहुत कीमती है, यादव भाई के लिए, मेरे लिए और वरुण के लिए भी। हम सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। गुड लक। वरुण, डरना मत, वो वक्त आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तुम सब खुदा के बंदे हो, उसकी राह पर कुर्बान हो जाओ। किससे मिलना है साहब? अपन ऊपर वाले मकान में रहता है, थोड़ा पानी मिलेगा माँ जी? जी। अब तुम्हारे जीने के मकसद को पूरा करने का मौका तुम्हारे सामने है। वादे के मुताबिक काम को अंजाम देने से पहले ही तुम्हारे खानदान तक पैसे पहुंच जाएंगे। इम्तियाज, चल नीचे बैठ, नीचे बैठ। हैदराबाद में ऐसा धमाका होना चाहिए जिसकी गूंज दुनिया भर में बरसों तक सुनाई दे। कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। चंद्रा,
याद रहे, हमारे सिपाही जिंदा पकड़े नहीं जाते, शहीद हो जाते हैं। हमारी लड़ाई के खिलाफ होने का अंजाम क्या होता है आज बता देंगे दुनिया को। पहला बम सुल्तान बाजार 5 बजे, दूसरा बम खैरताबाद 15 मिनट बाद, तीसरा बम बेगम पेट 5:30 बजे, एक के बाद एक 3 बम 15-15 मिनट बाद फूटेंगे। पहला बम कौन फोड़ेगा? मैं फोड़ूंगा, 1 घंटे में फट जाएगा। शाबाश, चलता हूं भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और जब दूसरा बम फटेगा तो लोग इस तरफ भागेंगे, देखते ही देखते हैदराबाद तबाह हो जाएगा। मार सकता हूं, ये मत भूलो कि तुम भी अपुन के निशाने पर हो। पर उनको छोड़ दो, चार्ली जाने दे। चल आजा बेटा, शाबाश। रमी टाइम नहीं अपुन के पास। चंद्रा, जिसका जन्म होता है वो मरता है, आत्मा अमर है, फिर से जन्म लेती है। अब तेरा खेल खत्म हो गया चंद्रा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कृष्णा, बैकअप। बम कहाँ है? कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। बम कहाँ है? सब मारे जाएंगे। बताता यानी कमीने, बोल बोल साले। बम कहाँ है? कमीने बोल। कोई नहीं बचेगा। One guy.
बताता या नहीं? कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। अबे अपने को लपेट लिया बॉम्ब को, कौन सी तार काटनी बता। हम मरेंगे। कौन सा वायर काटना है बोल। सफेद तार। और पूछा वेटर गरम क्या है, वेटर बोला रोटी और गरम चावल और गरम तवा और गरम, वेटर बोला सबसे गरम है मैनेजर की बीबी, आप कहे तो ले आऊं। अरे मैं कहा तुम्हें जोक सुनाने लगा, मुझे तो तुम्हें दुश्मनों के जंगल से बचाना है। डोंट वरी, खुदा गवाह है हम उस क्रिमिनल की गिरफ्तारी करेंगे, अंगार ऊपर चलाएंगे, उस डॉन नंबर वन को जख्म देंगे, आखिर तुम शिवा हो। सी यू। मैं लेट हो गया बहुत। बकवास बंद कर, मुझे पता है तू पी के आवारा पागल दीवाना। भाई इस भूतनाथ की ना एक्सपायरी डेट हो चुकी है, इसे पुरानी हवेली के बंद दरवाजे के पीछे तहखाने में छोड़ा दे। बूढ़ा होगा तेरा बाप, तू मेरे टैलेंट को क्या जाने। हार भर का किस्सा बताऊं, एसीबी मेरे सामने कांपने लगा, मछली की तरह तड़पने लगा, और क्या बताओ जान की भीख मांगने लगा। ए बाबा देना। सर आप यहाँ? हाँ मैं। आप सुरेश राम शिंदे के बेटे हैं ना? सर उस महान इंसान के बहुत सारे कर्ज हैं मुझ पर, मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा? उन्हीं की मेहरबानियों की वजह से पेट भर के बिरयानी खा रहा हूँ रायते के साथ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो आपको ऐसे ढेर सारे पिता। सर आपकी बीवी आपको डिवोर्स दे गई है, मैं बात करूँ उनसे? सर गन मत निकालिए, मुझे शूट मत कीजिए प्लीज। तेरे को शूट करके गोली वेस्ट हो जाएगी, चलिए इसको निकल ले। See you. Okay, sir. Okay. कॉमेडी हो रहा है क्या? चल आइला प्रणाम। वारामी मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। बैग देना था ना आपको? मुझे तो लगता था कि तू कभी नहीं सुधरेगा, पर आज मुझे तुझ पर नाज है। याद है मैंने कहा था कि तू मुजरिम ही सही लेकिन अच्छा आदमी है। और इसने मेरे यकीन को और मजबूत किया। जाओ, मेरा काम जुर्म खत्म करना है, मुजरिम को नहीं। जाओ मजे करो। श्योर सर। आई एम श्योर यू गो। गोवा छोड़ के और कहीं भी गो। मैं जानता हूँ तू आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। जाओ। सर थैंक यू सर। लेकिन अगर आज के बाद ये चोर फिर जाएगा तो ये आशिकों का जनाजा है निकलेगा तो बड़ी धूम से। हर्षद। हाँ भाई। वो बैग निकाल। ये लो ना 30 बार खा भाई। ये बैग? ये ब्लैक मनी नेता लोग ने आतंकवादी को खर्चे पाने के लिए दिया था, अब उन लोग खर्चा करेंगे। जिंदगी एक जुआ है, कभी हार तो कभी जीत, पर रमी जिंदगी की हर बाजी जीतता है।